क्या बोलते हैं, स्क्वेयर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वेयर मैट्रिक्स। मैं चाह रहा हूं ये रिवाइज हो जाए थोड़ी सी चीजें आपकी। स्क्वेयर मैट्रिक्स, स्क्वेयर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे ये क्या है, स्क्वेयर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो आपके सामने मैट्रिक्स लिखा था, क्या लिखा था, मैट्रिक्स ए, ए आई जे, और इसका ऑर्डर मैंने लिखा था 3x3, तो ये कौन सा मैट्रिक्स था, ये स्क्वेयर मैट्रिक्स का, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में क्या है, बराबर है, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको एक्सपैंड जब किया था तो हमने कैसे लिखा था, a11 a12 a13, 11 से मुराद पहली रो पहला कॉलम, 12 से मुराद पहली रो दूसरा कॉलम, 13 से मुराद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह सेकंड रो में 21, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, ij है ना, i स्टैंड्स फॉर, i रिप्रेजेंट्स रोज और j रिप्रेजेंट कॉलम। इज दैट क्लियर? मींस अगर मैं इस मैट्रिक्स के लिए हाथ से बात करूं तो i जो है दैट इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3, इसकी वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जानी, क्योंकि i रिप्रेजेंट्स द रोज r। इसी तरह अगर मैं j की बात करूं तो j विच रिप्रेजेंट्स द कॉलम्स, और कॉलम्स कहां तक जानी है, 3 तक, 1, 2, 3, j की वैल्यू भी 1 से लेकर कहां तक होगी, 3, तो वही तो लिख रहा हूं, a21 a22 a23, फिर उसके बाद a31 a32 a33, ये हमारे पास मैट्रिक्स मैंने क्या 3x3 का एक्सपैंड कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं जी जरा मुझे a11 के बारे में बताएं, तो आप मुझे कहेंगे a11 एक ऐसी एंट्री है जो पहली रो और पहले कॉलम में लाए करती है, यानी कि उसकी लोकेशन लिखी है, ये 11 क्या है, लोकेशन ऑफ दैट एंट्री। A11 से मुराद ये है कि ये पहली रो पहले कॉलम की एंट्री है। मैं आपसे कहूं जी ये A22 के बारे में बताओ, तो आप मुझे कहेंगे ये कौन सी एंट्री है, ये एंट्री है सेकंड रो सेकंड कॉलम की। अगर मैं आपसे कहता हूं A33 की बात करो, तो A33 इज द एंट्री ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। मैं आपसे कहता हूं A31 की बात करो, तो A31 के बारे में आप मुझे क्या कहोगे, आप कहोगे ये एंट्री है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की। A31 के बारे में मुझे बताओ, तो आप कहेंगे इट इज द एंट्री ऑफ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें, ये जो टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम तक एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं, ये मैंने आपके सामने सर्कल आउट की हुई है, A11 A22 A33, टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम, इनको बोलते हैं डायगनल एंट्रीज, मेन डायगनल है ये बेसिकली। ये क्या है? मेन डायगनल। ये क्या है? मेन डायगनल। मेन डायगनल से क्या मुराद है? बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स में दो डायगनल्स बन रहे होते हैं, एक टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम, एक राइट जो है हमारे पास टॉप से लेफ्ट बॉटम तक, ये जो मैंने आपके सामने किए, एक ये डायगनल है और एक ये डायगनल है, दो डायगनल्स बन रहे हैं बेसिकली। और इस वाले डायगनल को हम क्या बोलते हैं? मेन डायगनल, जबकि इस डायगनल को हम बोलते हैं सेकेंडरी डायगनल। सेकेंडरी डायगनल। तो बेसिकली हमारे पास दो डायगनल होते हैं, मेन डायगनल एंड सेकेंडरी डायगनल। तो मैट्रिसेस की बात करते हुए हम सेकेंडरी डायगनल पे बात नहीं करेंगे, हम हमेशा किसके किस पे बात करेंगे, मेन डायगनल। और अगर कभी मैं वर्डिंग यूज करूं डायगनल, तो अंडरस्टूड बात है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन डायगनल की बात करें, किसकी बात करें, मेन डायगनल की। अच्छा, इसी मैट्रिक्स को मैं दोबारा लिख लेता हूं, जरा गौर से देखिएगा, यहां पर मैं डायगनल की एंट्रीज लिख रहा हूं A11 A22 A33, ये मैंने किसकी एंट्रीज लिखी है, डायगनल एंट्रीज लिखी है। तो अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करें तो आई और जे आपस में इक्वल नहीं है, आई की वैल्यू भी क्या है 1, जे की वैल्यू भी क्या है 1 1 और 1, आई इक्वल टू जे। A22 में देखें आई इक्वल टू जे, A33 में देखें आई इक्वल टू जे। तो जब भी आप डायगनल की बात कर रहे थे, डायगनल मींस मेन डायगनल, अब मैं सेकेंडरी और मेन डायगनल वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं बनके क्या यूज करूंगा, डायगनल। और डायगनल की जब बात करूं, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट मेन डायगनल। और मेन डायगनल क्या होता है? टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम तक। हम सेकेंडरी डायगनल की बात मैट्रिसेस में नहीं करेंगे। तो ये क्या है? मेन डायगनल।
और मेन डायगोनल की एंट्रीज अगर ऑब्जर्व करें तो इनकी जो लोकेशन है वहां पर आई और जे इक्वल है, आई और जे क्या है इक्वल। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं डायगोनल एंट्रीज की बात करूं ऑल, बल्कि यूं लिख लेते हैं, मैं अगर यहां पर कहूं ए आई जे सच दैट फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, ए आई जे एंट्रीज हैं और किनकी बात कर रहा हूं, आई किसके इक्वल है, जे के इक्वल है, तो आप फौरन समझें अगर आई और जे इक्वल हैं तो इसका मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, डायगोनल एंट्रीज। वो कह रहा है कि तमाम डायगोनल एंट्रीज की आपने बात कर रही है, और डायगोनल एंट्रीज का मुझे कैसे पता चला ये डायगोनल एंट्रीज की बात कर रहा है, क्योंकि यहां पर आई किसके इक्वल लिखा हुआ है, जे के, और हमें पता है डायगोनल में आई हमेशा जे के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं ये किसकी बात हो रही है, डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, डायगोनल एंट्रीज की, समझ रहे हो मेरी बात को। अब अच्छा यहां पर एंट्री क्या आ रही है, ए वन टू, ए वन थ्री, यहां पर है ए टू वन, यहां पर है ए टू थ्री, यहां पर ए थ्री वन, ए थ्री टू। तो ये जितनी एंट्रीज आपको नजर आ रही है ये डायगोनल है, ये क्या है डायगोनल, यहां पर आई और जे इक्वल है, जबकि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं जो डायगोनल के अलावा हैं, ये मैं ये शो कर रहा हूं, ये और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये इधर और ये भी क्या है नॉन डायगोनल एंट्रीज है। तो ऑब्जर्व करें नॉन डायगोनल एंट्रीज में आई और जे इक्वल नहीं है, आई और जे इक्वल नहीं है, इधर देखो वन और टू, वन और थ्री, टू और वन, टू और थ्री, थ्री वन, थ्री टू, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं ए आई जे की बात कर रहा हूं सच दैट फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो आप फौरन समझ लें किनकी बात हो रही है, नॉन डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नॉन डायगोनल एंट्रीज की बात यहां पर की जा रही है। इज दैट क्लियर, अगर ये लिखा हो स्टेटमेंट ए आई जे फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, तो इट्स मींस आई एम टॉकिंग अबाउट डायगोनल एंट्रीज, और ए आई जे फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो किसकी बात हो रही है, नॉन डायगोनल, क्योंकि नॉन डायगोनल एंट्रीज में आई और जे कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। इज दैट क्लियर। अच्छा यहां पर एक और चीज ऑब्जर्व करें, एक और चीज ऑब्जर्व करें, अगर मैं लिख दूं ए आई जे, क्या लिख दिया जाए, ए आई जे सच दैट आई इज लेस देन जे, आई इज लेस देन जे, तो मुझे बताएं ये डायगोनल से ऊपर जितनी भी एंट्रीज हैं उनमें क्या है, वन और टू, वन और थ्री, टू और थ्री, ये वो एंट्रीज हैं जिसमें आई जे से लेस है, वन इज लेस देन टू, वन इज लेस देन थ्री, टू इज लेस देन थ्री, समझ गए, सो वन इज लेस देन टू मीन्स आई। One is less than three means I is less than J. Two is less than three means I is less than J. तो अगर ये लिखा हो AIJ, I is less than J, इसका मतलब है, देखो ना not equal आ रहा ना, I is not equal to J. I is not equal to J का क्या मतलब है? I J के equal नहीं है। अगर equal नहीं है तो फिर या उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा। तो मैं किसकी बात करूं? छोटे की बात करूं। I is less than J. और I is less than J की बात हो तो हम कहेंगे ये दीज आर नॉन डायगोनल एंट्रीज, नॉन डायगोनल एंट्रीज अबव द डायगोनल, अबव द डायगोनल, डायगोनल से ऊपर वाली, डायगोनल से ऊपर वाली एंट्रीज की बात हो रही है। इसी तरह अगर मैं लिख दूं ए आई जे सच दैट आई इज ग्रेटर देन जे, तो नीचे ऑब्जर्व करें जरा बिलो द डायगोनल, टू वन टू थ्री, सॉरी टू वन थ्री, वन थ्री टू, इनमें आई जे से क्या है ग्रेटर है, आई इज ग्रेटर देन जे, टू रिप्रेजेंट्स आई, वन रिप्रेजेंट्स जे, टू इज ग्रेटर देन जे, इट्स मींस कि ये कौन सी एंट्रीज है, डायगोनल के बिलो एंट्रीज है। तो जब ये लिखा हो ए आई जे सच दैट आई इज ग्रेटर देन जे, तो इसका मतलब होता है दीज आर द
एंट्रीज बिलो द डायगनल। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, नॉन डायगनल एंट्रीज, नॉन डायगनल एंट्रीज बिलो द डायगनल, बिलो द डायगनल। तो ये स्क्वेयर मैट्रिक्स से बात चली थी, और स्क्वेयर मैट्रिक्स से क्या बात चली कि हमने कहा कि स्क्वेयर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर अगर स्क्वेयर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर डायगनल और नॉन डायगनल एंट्रीज एग्जिस्ट कर रही होंगी। डायगनल एंट्रीज में आई और जे, यानी कि लोकेशन जो है, लोकेशन की बात करें तो उसमें आई और जे की वैल्यू क्या होती है, आपस में इक्वल। और अगर आई जे के इक्वल ना हो तो इसका मतलब है वो नॉन डायगनल एंट्रीज है। अब अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो इससे दो पॉसिबिलिटीज बनती है, और वो दो पॉसिबिलिटीज क्या है, आई लेस देन होगा जे से या आई ग्रेटर देन जे होगा। और अगर आई लेस देन है जे से तो इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन डायगनल एंट्रीज अबव द डायगनल, और अगर आई ग्रेटर है जे से तो इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन डायगनल एंट्रीज बिलो द डायगनल। तो होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा।